नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी की दरकार इसलिए भी है क्योंकि फिलहाल बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पर काफ़ी मजबूत नज़र आती है, जिसके आधार पर ये संभावनाएँ जताई जाती हैं कि जब अगली बार विधानसभा चुनाव होगा तो हो सकता है बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो, लेकिन हार की संभावनाएँ बहुत कम हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं। पूरा साल गुजरने का इंतज़ार करने की बजाय अभी से उन्होंने कहाँ कहाँ गठबंधन हो सकता है, कहाँ कहाँ पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इस पर ध्यान देने के साथ ही अलग अलग वर्गों को कैसे समाजवादी पार्टी अट्रैक्ट कर सकती है, अपने साथ जोड़ सकती है, इस पर ध्यान देना शुरू कर ही दिया है। माइनॉरिटी के वोट्स के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ अपने संबंध रिवाइव करने की कोशिश शुरू कर ही दी है। अब बारी है प्रदेश भर के कलाकारों की। याद रखिए, कलाकार किसी एक समाज, जाति, धर्म का नहीं होता। जब बात कलाकार की होती है तो उसके साथ जुड़ने वाली जो फ्रेटर्निटी होती है वो किसी भी समाज, जाति, धर्म की हो सकती है, युवाओं की हो सकती है जो उन कलाकारों को फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव का सारा जो ध्यान है वो कलाकारों की तरफ गया है और उन्होंने योगी सरकार को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार किया है कलाकार घेरा। विश्व कलाकार दिवस है, इसको भुनाने की पूरी कोशिश की है अखिलेश यादव ने, और पूरे प्रदेश के कलाकारों को रिझाने के लिए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सारे कलाकारों के, हर विधा के कलाकार के सुझाव मंगाए हैं और शिकायतें भी मंगाई हैं, जिसके आधार पर अगर कलाकारों का रिस्पॉन्स उन्हें बेहतर मिलता है तो इसके आधार पर ये कलाकार घेरा तैयारी करेगा कि किन किन आधारों पर, किस किस बेसिस पर योगी सरकार को घेरा जा सकता है, यानी कलाकारों की वो कौन सी डिमांड्स हैं जो कलाकार चाहते हों वो पूरी हो, और कौन सी शिकायतें हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। इनके आधार पर अखिलेश यादव कलाकार वर्ग के लिए कुछ नई घोषणाएं तैयार कर सकते हैं जिनको बेस बनाकर वो उनके बीच जा सकते हैं। इससे कोशिश ये है कि कलाकारों के बीच समाजवादी पार्टी की पैठ बने। बड़े कलाकार हो सकता है उनके साथ फिर मंच पर भी दिखाई दें अगर अच्छी घोषणा लेकर जाते हैं, या कम से कम वोट बैंक में तो वो तब्दील हो ही जाए, इतनी कोशिश ज़रूर है सपा प्रमुख की। नमस्कार।